श्री अकाल, सलाम। कल की ट्रैक्टर परेड में जो घटनाएं हुई उसमें सरकार का पक्ष तो गोदी मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच गया, लेकिन हमारा पक्ष और सच का पक्ष आप तक ना पहुंचे इसीलिए सरकार ने इंटरनेट बंद करा दिया। लेकिन हमने भी ये ठान रखा है, किसान एकता मोर्चा ने ये बिल्कुल ठान रखा है कि हम किसानों का पक्ष और सत्य की बात, सच की बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जो कल की घटनाएं हुई उस पर हम सिर्फ तीन बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जो ये किसान समाज है, जो ये देश के 80 करोड़ किसानों का जो ये परिवार है, ये सर्वधर्म संभावी है। ये हर धर्म का बराबर सम्मान करता है, हर धर्म हमारे लिए गणमान्य है और उसकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। गुरुओं ने जो कुर्बानी दी उसका भी हम पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग धार्मिक झंडों का इस्तेमाल करके आंदोलन में फूट डालना चाहते हैं, आंदोलन के बारे में गलत चीजें प्रसारित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। ये किसान समाज पूरा एकजुट है और पूरा शांतिपूर्ण है। दूसरी बात ये कि ये किसान समाज अभी इतना भोला नहीं बचा है। किसान समाज इस बात को समझता है कि आज पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है, क्योंकि हम 62-63 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं और पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है। हमारे 150 से अधिक किसान भाई शहीद हो चुके हैं और हम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण हैं, एक पत्ता तक नहीं टूटा है। मनुष्यों की तो क्या बात करें, पशु पक्षी भी भरपेट हमारे आंदोलन में खाना खा रहे हैं। तो ये शांति और एकता हमारी ताकत है, इसीलिए शांति, अहिंसा और एकता को हम आगे भी बनाकर रखेंगे। तीसरी बात मेरे भाइयों, जो आज सरहदों पर हमारे जवान तैनात हैं, जो आज देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिस के भाई तैनात हैं, ये कौन है? ये भी हमारे किसान परिवारों से हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी माताएं बहनें हैं। तो उनका मान सम्मान करना हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक किसान का बेटा जो सरहदों पर तैनात है वो अपनी कुर्बानी तो दे सकता है, लेकिन वो एक इंच पीछे नहीं हटने को तैयार है। वो देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। वो तिरंगे में लिपट के अपने गांव में तो आ जाता है अपनी कुर्बानी देके, लेकिन वो किसी दुश्मन को एक इंच भी हमारे देश में घुसने नहीं देता है। ये है किसान समाज की देशभक्ति, ये है हमारे जवानों, नौजवानों और किसानों की राष्ट्रभक्ति। और दूसरी बात, जो अब कल का इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी हम कुछ सच्चाई जान लें। देश का किसान समाज राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का पूरा मान सम्मान करता है। हमारे लिए सबसे अधिक मान सम्मान की बात है कि हम उस तिरंगे का पूरा सम्मान करें। कल जो घटना हुई, जो कुछ लोगों ने लाल किले पे किया, आखिर ये लोग हैं कौन, इसके बारे में भी तो आप जान लीजिए। जिस दीप सिद्धू ने वहां पे गलत तरह की हरकतें की, ये तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी फोटो और वीडियो हैं जिसमें ये बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ दिख रहा है। जब बीजेपी के सांसद सनी देओल का चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय ये सनी देओल के साथ था। अमित शाह के साथ इस दीप सिद्धू की फोटो है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दीप सिद्धू की फोटो है। तो ये जो कल किया गया ये तो एक तरीके से प्रशासन और सरकार के इशारे पर हुआ है, और जो लोग सरकार से मिले हुए हैं, जो लोग प्रशासन से मिले हुए हैं, उन लोगों ने यह काम किया है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तो मोदी सरकार की बनती है, गृहमंत्री अमित शाह की बनती है कि वो बताएं कि जो आदमी बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो दीप सिद्धू, उसने इस तरह की गलत हरकतें लाल किले पर जाकर क्यों की? ये आदमी किसान आंदोलन को भड़काना क्यों चाहता है? ये आदमी किसान आंदोलन की शांति को भंग क्यों करना चाहता है? इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी किसान समाज की नहीं बल्कि मोदी सरकार, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस प्रशासन की बनती है। तो वो देश को जवाब दें। और दूसरी बात, जिन लोगों ने ये हिंसा की, जिन लोगों ने गलत तरह की नारेबाजी की, जिन लोगों ने वहां धार्मिक झंडे लहराए, ये आदमी तो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा कभी से रहे ही नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी स्टेज पे ये कभी नहीं आते हैं। 25 तारीख की रात को इन्होंने हमारी स्टेज पे हुड़दंग करने का प्रयास किया जिसे किसानों ने विफल कर दिया। तो जो व्यक्ति हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है उसकी जवाबदेही हमारी थोड़ी बनती है।
उसकी जिम्मेदारी, उसकी चीजों का जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनने ये किया, और उन लोगों की है जो लोग ऐसे लोगों को शह देते हैं, यानी बीजेपी वाले लोग, तो वो इसका जवाब दें। एक और अन्य बात मेरे किसान भाइयों, वो वीडियो पूरे देश में प्रचारित प्रसारित हो रही है, जब ये दीप सिद्धू ये काम करके आ रहा था तो वहां पे किसानों ने इसको घेर लिया और ये वहां से भाग गया, ट्रैक्टर से इसको उतारा और फिर ये दौड़ लगा के एक मोटरसाइकिल पे बैठा और वहां से भाग गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए, ये अचानक से लाल किले पे प्रकट कैसे हो गया, इसको कौन लेके आया लाल किले पे, किसकी गाड़ी में ये बैठ के आया, किसकी शह पर, किसकी मिली भगत से ये आया वहां पर, इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे। और एक अंतिम बात जो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, ये चंद दीप सिद्धू जैसे चंद मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे और ये लाल किले के ऊपर भी चढ़ गए, लाल किले में भारी भरकम गेट हैं, वहां पे सैकड़ों लोग भी उस गेट को नहीं तोड़ सकते और ना ही आसानी से वहां चढ़ सकते हैं, तो इनको किसने अंदर घुसाया, किसने वो लाल किले के गेट खोले, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना, ये किसके इशारे पर हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो ये हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके इशारे पर यह किया गया, ये बीजेपी के लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, जो ये बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं, इन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसा क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। और अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये किसान कौम है, ये सबसे अधिक देशभक्त कौम है, इस कौम को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बीजेपी वालों से नहीं चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, तो हमारे तो खून की एक एक बूंद में देशभक्ति है, हमारे डीएनए में देशभक्ति है, दुनिया की किसी लैब में जाके हमारा खून और डीएनए जांच करा लेना, पूरी देशभक्ति ही मिलेगी। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं इनका इतिहास क्या है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं इनका इतिहास क्या है, यह भी देश और दुनिया जानती है। जब 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरा देश उस आंदोलन में साथ था, लेकिन ये भाजपा वालों के पूर्वज, ये आरएसएस के संगी लोग उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो ये लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दें। हमारा तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसी के साथ देशभक्ति उसमें आती है, उसके खून और डीएनए में देशभक्ति है। तो मेरे किसान भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो ये गोदी मीडिया और सरकारी तंत्र जो ये दुष्प्रचार कर रहा है हमारे आंदोलन के खिलाफ, जो हमारे बारे में अफवाहें फैला रहा है, इन अफवाहों से सावधान रहें। और हर किसान और नौजवान की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सच्ची बात को पूरे देश में लेकर जाए, हमारी बात आगे ना जा पाए इसलिए सरकार ने हमारा इंटरनेट बंद करवा दिया। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश के कोने कोने में जो किसान भाई बैठे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में डालें, अधिक से अधिक पेज पे शेयर करें, क्योंकि हमारी बात, हमारी ये आपकी बात है, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पूरे 80 करोड़ किसानों की बात है, तो इसको आगे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और एक हम आश्वासन और विश्वास आपको देना चाहते हैं कि जब तक किसान आंदोलन जीतेगा नहीं, तब तक हम शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे। जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं, हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा, जो किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले हमें बदनाम करने के लिए, हम एक एक हथकंडे को फैल करेंगे। पहले सरकार ने क्या हथकंडा अपनाया हमारे ऊपर कि भाई ये तो सिर्फ पंजाब का है, फिर कहा ये पंजाब हरियाणा का है, फिर कहा ये उत्तर भारत का है, लेकिन हकीकत ये है ये कश्मीर से कन्याकुमारी के किसानों का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। फिर हमारे ऊपर आरोप लगाया खालिस्तानी और आतंकवादी होने का, वो आरोप भी फर्जी साबित हुए। फिर इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया फॉरेन फंडिंग का, वो आरोप भी फर्जी साबित हुए। तो ये कितने भी कोशिश कर ले सरकार में बैठे लोग, ये हमें बदनाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे किसान समाज का विश्वास किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं पर है, वो विश्वास अटूट है, किसान समाज का फैसला अटल है, हम आंदोलन जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत। अभिमन्यु जी, बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जैसे कल एएमपी के नीचे जितने हमारे किसान भाई ट्रालियां लेकर बैठे हुए थे, वहां पे एक लड़का भाग कर जाता, बोलता है आगे तो गोली चल गई, आगे आर्मी आ गई, भाग जाओ। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं?
देखिए मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जो लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं, मैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग हर जगह बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बहादुरी से, बिना झुके, बिना डरे, बिना दबे, बिना पीछे हटे, बिना बिके आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब तक आपके किसान नेता आप तक कुछ बात ना पहुंचाएं, जब तक आपके किसान नेता आपको कोई आदेश ना दें, तब तक आप किसी की भी बात पर विश्वास मत करिए। क्योंकि हमारा पास्ट का अनुभव रहा है, सरकारी लोग अंदर घुसते हैं, दरबारी लोग अंदर घुसते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। ज्यादा लंबी बात नहीं है, 2 दिसंबर को हमने कुछ लोगों को पकड़ा था, यहां पे पुलिस के हवाले किया, अब तक जांच नहीं हुई। हमने 27 दिसंबर को पकड़ा, अब तक जांच नहीं हुई। कुछ एक आदमी को कुछ दिन पहले पकड़ा, उसकी ठीक से जांच नहीं हुई। तो आप सिर्फ किसान नेताओं की बातों पर विश्वास कीजिए। अभिमन्यु जी, जो अब तक मालूम पड़ा है 2 से 3 किसान भाइयों की वहां पे गोली लगने से, ट्रैक्टर पलटने से मौत हो चुकी है, क्या ये लोग उनकी माँ को, उनके परिवार को जवाब दे पाए? देखिए बलजीत भाई, हमारे किसान भाइयों ने जो ये सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो ये शहादत दी है, आने वाली पीढ़ियां इस शहादत को हमेशा याद रखेंगी। पूरा किसान समाज इन शहीद किसानों का हमेशा ऋणी रहेगा। और हम तो उस माँ की कोख को सलाम करते हैं जिस कोख से ऐसे रण बाकुरों ने जन्म लिया, कि जिन्होंने किसान समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। फरीदाबाद से, फरीदाबाद वाली साइड से, पलवल से जब हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण तरीके से एक तय किए गए रूट पे आगे बढ़ रहे थे, तो वहां अचानक से सिकरी गांव के पास उनके ऊपर इतना हैवी लाठी चार्ज किया पुलिस ने, 10 ट्रैक्टर तोड़ दिए, 5 किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए, 10 किसानों के सर फाड़ दिए, उनको घेर कर उनको मारा गया। तो जो ये पुलिस प्रशासन जो ये जाति कर रहा है, जो सरकार के इशारे पर जो हमारा दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां इन सरकार में बैठे तानाशाहों को कभी भी माफ नहीं करेंगी। किसान समाज निश्चित तौर पर जीतेगा। अभिमन्यु जी, आपको नहीं लगता कि जो हमारे किसान भाई यहाँ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए आए थे, कुछ लोगों ने उनको, उनके साथ खिलवाड़ करके उनको बहका के गलत रास्ते पर लेके गए? देखिए इसमें एक चीज साफ है, जिस तरीके से मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसी तरीके से कुछ लोगों ने देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का अपमान किया, उनको हिंसा के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। और ये जानते हुए कि शांति और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यदि किसी भी तरह की हिंसा हो गई तो फिर तो प्रशासन को एक बहाना मिल जाएगा आंदोलन का दमन करने का। ये सब जानकारी होते हुए, ये सब सूझबूझ होते हुए ऐसा जिन लोगों ने किया है, ये किसान समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं नौजवान भाइयों, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई भी आदमी आके कह देता है कि वो किसान समाज के लिए काम कर रहा है, वो किसान आंदोलन को सफल बनाना चाहता है, और ऐसे ही लोग फिर आंदोलन को बाद में भड़काते हैं। मैं नौजवानों से एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूं, जो ये सभी सीनियर लोग हैं पूरे देश के, जो किसान नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लीडरशिप है, ये बहुत अनुभवी है। इनका पूरा जीवन बीत गया किसान समाज के लिए संघर्ष करते हुए, इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं किसान आंदोलनों को सफल करने के लिए। तो ये लीडर बड़े परिपक्व हैं, ये लीडर बड़े अनुभवी हैं, ये लीडर बड़े ईमानदार हैं। तो आप किसी भी ऐरे गैरे की बात पर विश्वास मत कीजिए, जो आपकी ये लीडरशिप है, सिर्फ आप इनकी बातों पर विश्वास कीजिए। आप जो संयुक्त किसान मोर्चा के आधिकारिक बयान आते हैं, जो किसान एकता मोर्चा जो आपको आधिकारिक और पुख्ता जानकारी देता है, आप सिर्फ इस पे विश्वास कीजिए, किसी की बातों में मत बहकिए। यदि किसी भी व्यक्ति की नादानी और नासमझी के कारण हमारी शांति भंग हो गई, तो मेरे भाइयों आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, ये जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं, जो ये आंदोलन हम कर रहे हैं, ये जमीन को बचाने का आंदोलन है, ये फसलों को बचाने का आंदोलन है, ये आगे की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। तो मेरे भाइयों, जो आपकी लीडरशिप है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं,
सिर्फ इन्हीं की बातों पर विश्वास कीजिए।